हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रोसेस जिसका नाम है जिग बोरिंग प्रोसेस, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जिग बोरिंग मशीन है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वो प्रोसेस कैसे होते हैं वो देखेंगे, कौन कौन से मशीन है वो हम यूज कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। आज के वीडियो का कंटेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस नीड ऑफ जिग बोरिंग मशीन, then after introduction and working principle, then after construction and components of jig boring machine, उसके बाद हम देखेंगे types of jig boring machine, उसके अंदर हम देखेंगे single and double column jig boring machine, then after specification of jig boring machine, then boring tools and mountings and applications of jig boring machine. In the next slide हम discuss करेंगे need of jig boring machine. तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हम जब ड्रिल करते हैं तो उसका जो होल होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, उसका जो डायमीटर है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर फिनिशिंग करने के लिए और एक्यूरेट होल है वो बनाने के लिए हम बोरिंग ऑपरेशन करते हैं, और एक बोरिंग ऑपरेशन है वो लेथ मशीन और मिलिंग मशीन पे भी आप कर सकते हो, बट एक्यूरेसी आपको चाहिए, होल है वो एग्जैक्ट क्वालिटी का और एक्यूरेट चाहिए, तो उसके लिए हम जिग बोरिंग मशीन यूज करते हैं और एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम जिग बोरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जिग बोरिंग मशीन। अभी जिग बोरिंग मशीन है वो कहां पे यूज होता है, हमने बताया उस हिसाब से एक्यूरेट होल बनाने के लिए हम ये जिग बोरिंग प्रोसेस है वो यूज कर सकते हैं। जो होल होता है, ठीक है, तो होल उसका डायमीटर है वो इंक्रीज करना हो, ठीक है, एनलार्ज करना हो, तो उसके लिए हम एक जिग बोरिंग मशीन यूज कर सकते हैं। दूसरा कि जो ड्रिल मशीन है तो ड्रिल के अंदर ड्रिल बीट होता है वो अलग अलग स्टैंडर्ड के डायमेंशंस के हिसाब से होते हैं, तो वो वॉल हम जनरेट करते हैं, उसके बाद उसको फिनिश करना हो, मींस कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ड्रिल बीट है वो 30 mm का है और हमें वॉल चाहिए 31 mm का, तो क्या होगा कि हम पहले ड्रिलिंग मशीन से 30 mm का होल करेंगे, उसके बाद 1 mm है वो हम बोरिंग मशीन से वो कट कर सकते हैं, ठीक है। देन जिग बोरिंग मशीन आल्सो मेंटेन हाई एक्यूरेसी बिटवीन मल्टीपल होल्स। खास याद रखना है कि जब हम कोई डाई बनाते हैं, ठीक है, कोई फिक्सर्स बनाते हैं, कोई जिग बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल होल होते हैं, तो वो मल्टीपल होल है उसको एक्यूरेट एग्जैक्ट होल बनाने के लिए हम एक जिग बोरिंग मशीन है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका टॉलरेंस बहुत एक्यूरेट होता है, मींस हम यहाँ पे प्लस और माइनस 0.05 mm तक का टॉलरेंस गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जिग बोरिंग मशीन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिग बोरिंग है वो स्पेशल टाइप का एक बोरिंग ऑपरेशन है, ठीक है, वो बोरिंग ऑपरेशंस के सिमिलर ही है, मगर ये प्रोसेस है वो पर्टिकुलर जिग के लिए, फिक्सर्स के लिए और डाई के लिए यूज होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम जिग बोरिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस के अंदर आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि बोरिंग टूल होता है वो स्टेशनरी या फिर रोटेटिंग होता है, और हमारा जो वर्क पीस है वो स्टेशनरी और रोटेटिंग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, अगर हमारा वर्क पीस है वो बड़ी साइज का होगा, एनलार्ज होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, वर्क पीस स्टेशनरी रहेगा, बट हमारा जो टूल है वो रोटेट करेगा। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि रोटेटिंग टूल है और वर्क पीस स्टेशनरी है, वो क्या करेगा, वो कटिंग करेगा, और जब हमारे वर्क पीस है वो स्मॉल हो, मीन्स कि उसकी साइज कम हो, तब टूल है वो स्टेशनरी रहेगा और हमारा जो वर्क पीस है वो रोटेट करेगा। यहाँ पे खास याद रखना है कि फीड है वो इस एक प्रोसेस में वर्टिकल एक्सिस ऑफ होल एंड इट्स रेडियस दोनों में दी जाती है, मींस कि हमारा टूल है वो वर्टिकली मूव भी हो सकता है एंड रेडियली उसको हम फीड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो दोनों की फिगर, आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नंबर की फिगर है वो है फिक्स वर्क पीस, ठीक है, तो फिक्स वर्क पीस के अंदर क्या होगा कि हमारा वर्क पीस है वो फिक्स रहेगा और हमारा जो टूल है वो रोटेट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में कि हमारा टूल है वो रोटेट करता है और हमारा वर्क पीस है वो फिक्स है, और दूसरी फिगर में आप देख सकते हो फिक्स टूल,
तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो टूल है वो फिक्स रहेगा और हमारा जो वर्कपीस है वो रोटेट होगा। और हमने बताया उस हिसाब से जब हमारा वर्कपीस बड़ी साइज का होगा तो वो उसको हम स्टेडी रखेंगे, मींस के स्टेशनरी रखेंगे, और टूल है उसको हम रोटेट करेंगे। अगर हमारा वर्कपीस है वो स्मॉल साइज का होगा तो हम उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और हमारा जो टूल है बोरिंग टूल उसको हम स्टेशनरी रखेंगे। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मेन फीचर्स। अभी ये जिग बोरिंग मशीन है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो जिग बोरिंग मशीन है उसके अंदर हैवी बेस एंड कॉलम होती है, जो नीचे का बेस है एंड कॉलम है वो हैवी होता है, और स्पिंडल हेड है वो कॉलम के ऊपर फिक्स किया जाता है। स्पिंडल हेड है वो कॉलम की जो गाइडवे होती है उसके ऊपर फिक्स करते हैं, और ये स्पिंडल है उसको हम एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के साथ फिक्स करते हैं, जिससे क्या होगा कि फ्रिक्शन है वो कम होगा। यहाँ पे टेबल की अरेंजमेंट होती है, वो टेबल है वो सेडल के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पे टेबल है उसको हम लॉन्जिट्यूडनल फिट प्रोवाइड करते हैं, और सेडल है उसको हम क्रॉस फिट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स कि हमारा टेबल है ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव होगा और हमारा सेडल है ऐसे क्रॉस फिट में मूव होगा। और यहाँ पे वर्टिकल फीड है हम स्पिंडल को देते हैं, मीन्स कि हमारा स्पिंडल है वो ऐसे अप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट ऑफ जिग बोरिंग मशीन। अभी मेन कंपोनेंट है इसका बेड, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि बेड है वो हैवी कंस्ट्रक्शन का दिखाया हुआ है, और ये बेड है वो कास्ट आयरन का बनाया हुआ होता है। वो बेड क्या करता है कि बाकी सारे कंपोनेंट है उसको सपोर्ट करने का काम करेगा, मीन्स कि हमारा टेबल है, सेडल है, कॉलम है, उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। दूसरा कंपोनेंट है कॉलम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्टिकल कॉलम दिया हुआ है, वो हॉलो कंपोनेंट है, मीन्स कि वो कास्ट आयरन का हॉलो सेक्शन है। उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर गाइडवे लगाया हुआ होगा, और ए गाइडवे के ऊपर हमारा स्पिंडल हेड है वो माउंट किया होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड स्टॉक, फिगर में आप देख सकते हो कि हेड स्टॉक कैसे दिखता है। वो है जो हमारी कॉलम है उसके ऊपर जो गाइडवे होता है उसके आगे की तरफ एक स्पिंडल हेड है वो फिक्स किया जाता है, और स्पिंडल हेड को हम हेड स्टॉक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्पिंडल है वो क्वील के साथ सपोर्ट किया जाता है, और क्वील का काम क्या होता है, जैसे हम टेलीस्कोपिक मैकेनिज्म होती है एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब होती है वो अप डाउन हो सकती है, वैसे ही क्वील की मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल एंड सेडल। तो टेबल क्या करेगा, टेबल वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए यूज होता है, और यहाँ पे जो टेबल है उसके ऊपर टी स्लॉट जनरेट किए होते हैं जो क्या करेंगे, जो हमारा वर्कपीस है उसको फिक्स करने के लिए हेल्प करेंगे। और दूसरा याद रखना है कि यहाँ पर टेबल की मूवमेंट है वो लॉन्जिट्यूडनल होगी, और हमारा जो सेडल है उसकी मूवमेंट क्रॉस मूवमेंट होगी। एंड नेक्स्ट है पिकअप डिवाइस। तो पिकअप डिवाइस है वो क्या होता है कि वो टेबल और सेडल के ऊपर लगाया जाता है, वो क्या हेल्प करेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है उसको ऑटोमेटिक करने के लिए हम एक पिकअप डिवाइस है उसका यूज कर सकते हैं, और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ जिग बोरिंग मशीन। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो टाइप है उसकी, फर्स्ट है सिंगल कॉलम जिग बोरिंग मशीन एंड सेकंड है डबल कॉलम जिग बोरिंग मशीन। अभी हम देखेंगे सिंगल कॉलम जिग बोरिंग मशीन। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल कॉलम जिग बोरिंग मशीन फिगर में, तो उसके अंदर क्या होता है, एक ही कॉलम होता है, ठीक है, और ए जिग बोरिंग मशीन है सिंगल कॉलम जिग बोरिंग मशीन, वो स्मॉल कंपोनेंट के लिए यूज होता है, मीन्स के हमारा जो वर्कपीस है अगर उसकी साइज कम होगी तो हम ए मशीन उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेबल होता है वो प्लेन रोटरी टेबल हो सकता है, या फिर इंक्लाइन टेबल हो सकता है, या फिर स्क्वायर टेबल हो सकता है। ए मशीन है वो वर्टिकल मिलिंग मशीन की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसको वर्टिकल मिलिंग टाइप जिग बोरिंग मशीन भी बोलते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी फिगर दी हुई है, यहाँ पे आप एक्चुअली मशीन देख सकते हो और उसका डायग्राम भी देख सकते हो। नीचे बेस है, उसके ऊपर सैडल है, उसके ऊपर टेबल है, और वर्टिकल कॉलम है, कॉलम के ऊपर यहाँ पे स्पिंडल हेड लगाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो डबल कॉलम जिग बोरिंग मशीन। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है,
ए वर्टिकल कॉलम है वो दोनों साइड प्रोवाइड किए जाते हैं और ये दोनों कॉलम के बीच में हमारा स्पिंडल हेड होता है, मींस के हेड स्टॉक होता है। एक कंस्ट्रक्शन है वो प्लैनर मशीन के जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसको प्लैनर टाइप जिग बोरिंग मशीन भी बोलते हैं। अब हमारा जब वर्कपीस है लार्ज साइज का होगा तो हम इसके लिए एक डबल कॉलम जिग बोरिंग मशीन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी फिगर कि यहाँ पे दोनों साइड कॉलम है, बीच में हमारा स्पिंडल हेड है और जो टेबल है वो बड़ी साइज का है और हमारा जो वर्कपीस है वो भी बड़ी साइज का है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ जिग बोरिंग मशीन। तो हम मार्केट में जिग बोरिंग मशीन परचेस करने जाए तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन से बेसिस पे हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हो, फर्स्ट है डिस्टेंस ऑफ स्पिंडल एक्सिस फ्रॉम कॉलम, सेकेंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन स्पिंडल फेस एंड टेबल, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्पिंडल फेस एंड टेबल, मींस के स्पिंडल है और हमारा टेबल है वो दोनों के बीच की जो गैप है वो कितनी है, देन डायमीटर एंड टेपर ऑफ स्पिंडल वॉल, जो स्पिंडल वॉल होता है उसका डायमीटर कितना है और उसका टेपर का होल कितना है वो भी एक डिपेंड करेगा। देन मैक्सिमम डायमीटर दैट कैन बी बोर्ड, मींस कि हम जो बोरिंग करते हैं वो मैक्सिमम कितने डायमीटर तक हम बोरिंग कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन मैक्सिमम वेट ऑफ वर्क विच कैन बी प्लेस्ड, मींस कि हमारा जो वर्क पीस है उसका वेट हम कितना मैक्सिमम टेबल के ऊपर सस्टेन कर सकता है, हमारा टेबल उसके ऊपर कितना वेट रख सकते हैं वो भी एक स्पेसिफिकेशन है। डायमेंशन ऑफ वर्किंग एक्सिस ऑफ टेबल, मींस कि हमारा टेबल है उसका डायमेंशन कितना होगा, अगर बड़ी साइज का वर्क पीस है तो उसके लिए बड़ा टेबल चाहिए। देन मैक्सिमम टेबल ट्रांसवर्स, हमारा टेबल है वो कितना मूव होगा। नेक्स्ट हॉर्स पावर ऑफ मेन मोटर, जो हमारा जो स्पिंडल है उसको चलाने के लिए जो मोटर चाहिए तो वो मैक्सिमम कितने हॉर्स पावर की हो सकती है। देन हॉर्स पावर ऑफ टेबल फीड मोटर, टेबल और सैडल को फीड करने के लिए जो मोटर होती है वो कितने पावर की होती है। देन मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ डायल, जो डायल होता है जो मेजरमेंट के लिए उसकी कैपेसिटी कितनी है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर होता है जिससे हम मेजर करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट कितना है। एंड वेरियस स्पिंडल स्पीड, तो स्पिंडल की स्पीड कितनी है, ये सभी स्पेसिफिकेशन है उसके बेसिस के ऊपर हम हमारा जो जिग बोरिंग मशीन है वो हम परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी आप यहाँ पे देखेंगे बोरिंग टूल्स। अभी ये जिग बोरिंग मशीन है तो उसके अंदर जो टूल चाहिए उसको हम बोलते हैं बोरिंग टूल। तो बोरिंग टूल्स है उसके हम मेन टू कैटेगरी है, बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन जो आप यहाँ पे पिंक कलर में देख सकते हो, और दूसरा है बेस्ड ऑन शेप जो ग्रीन कलर के अंदर है। अभी बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन देयर आर आल्सो टू टाइप, फर्स्ट वन इज फॉर्ड टाइप बोरिंग टूल एंड सेकंड वन इज कार्बाइड टाइप बोरिंग टूल, आप यहाँ पे दोनों देख सकते हो। एंड बेस्ड ऑन शेप देयर आर आल्सो थ्री कैटेगरी, कॉमन टाइप बोरिंग टूल, सेकंड हैवियर कट बोरिंग टूल एंड लास्ट स्पेशल बोरिंग टूल। फिगर में आप देख सकते हो बोरिंग टूल कैसा दिखता है, यहाँ पे येलो कलर के जो टिप दिखाया हुआ है वो हमारा बोरिंग टिप है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं बोरिंग माउंटिंग्स। अभी जो बोरिंग टूल होता है वो बोरिंग टूल को माउंट करने के लिए बोरिंग माउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो बोरिंग माउंटिंग्स में तीन टाइप आती है, फर्स्ट है बोरिंग बार, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो बोरिंग बार कैसा दिखता है, ठीक है। तो एक बोरिंग बार है, देन सेकंड है कटर हेड, कटर हेड है उसका हम यूज कर सकते हैं। देन फेसिंग हेड, फेसिंग हेड है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल जब ज्यादा रिमूव करना होता है तब हम फेसिंग हेड का यूज करेंगे, उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो बोरिंग टूल है उसकी दो टिप यूज की जाती है जिससे हमारा एमआरआर ज्यादा रहेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जिग बोरिंग मशीन। तो फर्स्ट मेन एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट्स, फॉर जिग फिक्सर एंड डाई। जब भी जिग फिक्सर एंड डाई बनानी होती है तो उसके लिए हम जिग बोरिंग मशीन यूज करते हैं, जो होल वो एक्यूरेट बनाना होता है तब इसका यूज करते हैं। फॉर ड्रिलिंग होल इन जिग बुशिंग, जो जिग है उसके अंदर जो होल करना होता है तो उसके लिए हम
ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस कंपाउंड एंड प्रोग्रेसिव डाई। खास याद रखना है, कंपाउंड एंड प्रोग्रेसिव डाई बनाने के लिए जिग बोरिंग मशीन यूज करते हैं। देन पायलट वॉल एंड बुशिंग वॉल फॉर ग्राइंडिंग एंड अलाइनमेंट पोस्ट इन स्ट्रिपर और डाई सेट। देन फॉर ग्राइंडिंग द हार्डेन पार्ट्स। नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टूडेज लेक्चर। आप यहां पे देख सकते हो और एक क्वेश्चन है उसको रिफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू।